जी जी एपी प्रोडक्शन से निकल छे बहुत सुंदर छे कि बर दूर काशी नगरिया यो बाबा सिया गम अबियो सिया गम अबियो बाबा मिथिला जग बियो बर दूर काशी नगरिया यो बाबा मिथिला में अबियो गोटा के जी मिथिला में स्वागत है। एखन हम उपस्थित छी दरभंगा जिला के बिरोल प्रखंड के सहसराम गाम में। एत आई 6 वर्ष से लगातार विद्यापति समारोह भ रहा है हन और जगह पर देख सके छी माधव राय और तमाम कलाकार जे मिथिला के एत उपस्थित है छे। और एकर जे छे से विशेषता की छे ई जे मिथिला समारोह कहल जाए छे और ई समारोह के तहत जे छे से जनता के की देखायल जाए छे से हमरा साथे तो पुरुषोत्तम भाई छथि हम इनका से बातचीत करे छी। पुरुषोत्तम भाई बहुत बहुत स्वागत यहाँ के जी मिथिला पर। जी धन्यवाद जी। अहाँ सब गोटा युवा संस्कृति समारोह करबै छी सहसराम गाम में आई 6 साल लगातार 6 साल से होइ छै और एक तहत जे छै से की देखबै लए चाहै छी अहाँ सब गोटा गाम गाम में। ऐसे पहले ऑर्केस्ट्रा के बेसी प्रचलन रहे ते समय में हमरा अचानक विद्यापति सेवा संस्थान के जे कार्यक्रम देखने रही तक बाद से हमरा लागल जे अई तरह कार्यक्रम गाम में हेबा और वही के लोग प्रयास कलों और सफलता भेटल। लगातार ग्रामीण के सहयोग अन्य लोग के सहयोग कलाकारक सहयोग सबटा सहयोग के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लगातार 6 वर्ष भ रहा है और एक प्रभाव पड़े जे अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो जे अश्लील फैलाल जाए छे ते पर विराम लगले हन और लगते प्रचार प्रसार हेते जी। और जे छोट कलाकार छथि हुनको सब गोटा के सब गोटा और स्टेज पर जे से गावे बजबे के जे छै से दै छथि और माधव भैया छथि हम इनको से बातचीत करै छी। हम सबसे पहले माधव भैया अहाँ के कोन गीत आयल छलै? सबसे पहले तो ओना हमर पायल कैसेट आयल छलै लेकिन हमरा छोटकी भौजी से सफलता भेटल। नाम मिलल छोटकी भौजी से? हाँ नाम मिलल जी। आई अहाँ के किछु दिन पहले जे से सम्मानितो कयल गेल छलै, कोन पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल? हमरा आज से 3 साल पहले महेंद्र सम्मान भेटल यऽ रहिका मंच पर और तकर बाद एहि बेर विद्यापति सेवा संस्थान में मिथिला विभूति सम्मान भेटल। विद्यापति विद्या विभूति सम्मान हिनका जे छै से मिलले और दरभंगा में। और किछु बातचीत करै छी जे छोट कलाकार जे छै जे अपन शुरुआत कए रहल छै ई चीज में गाबे के लेल, हुनका की कहल जाबे? हां देखियौ सबसे बड़का बात छै जे सहसराम में जखन हमसब आयल छी विद्यापति पर्व समारोह 6ठम विद्यापति में युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन के तहत ही होइ छै और हमर पुरुषोत्तम जी छथि। एहि जगह के सबसे बड़का खासियत ई छै जे जै वर्ष हमसब आबै छी हम नहियो एलौ हन कोनो बेर लेकिन एतऽ नया कलाकार के ई मंच दै छथिन आ मौका दै छथिन, ई पुरुषोत्तम जी के सबसे बड़का विशेषता छनि। किएक तऽ आइ माधव रहै छथिन काल्हि केओ दोसर माधव रहै छथिन, एहि के लेल पुरुषोत्तम जी के हम बहुत बहुत आभारी एहि मंच के बहुत बहुत आभारी छियनि जे नया कलाकार के प्रोत्साहन दै छथिन आ प्रोत्साहन कलाकार के लेल बहुत पैघ चीज छै, ओहि से कलाकार आगू बढ़ै छै। और देख सकै छी सही बात जे छै से माधव जी जे कहलथि हन बहुत नमहर बात, ई मिथिला के जे छै से आगू बढ़ैमे बहुत नमहर योगदान छै। ओना रचना जी छै जे कि आइ काल्हिमे जे छै से बहुत ज्यादा मिथिला मैथिलीमे अपन योगदान दए रहलथि हन, मिथिला राज्यके बात हेतै या तमाम बात हेतै ओहि चीजके लेल बहुत नमहर नमहर मुद्दा सब उठा रहलथि हन। सबसँ पहिले बहुत बहुत स्वागत यऽ अहाँके रचना दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद कहऽ चाहबनि युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन के जे बेर 6ठम विद्यापति पर्व समारोह कर रहल छथि और हमरो ए बेर पहिल बेर आबऽ के मौका भेटल तो संस्था के ए फाउंडेशन के बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करबनि। अब बहुत दिन से हम सब गोटा देख रहल छी जे अहाँ मिथिला मैथिली के लेल बहुत नमहर योगदान दे रहलिए हन, आई अहाँ चाहै छी जे अपन दरभंगा जे छै से मिथिला राज्य बने तऽ केना के एकरा मिथिला राज्य बनेबै? जी बिल्कुल कोशिश कयल जा रहल छै कि मिथिला राज्य अपना सबके अलग जतेक छोट जगह रहै छै ओतेक डेवलप होइ छै और अपन मिथिला कतौ ने कतौ डेवलप नहि भऽ रहल छै, एहिपर काज नहि कयल जा रहल छै। बिहार राज्य हमरा सब लए काज बिल्कुल
बिल्कुल नहीं करे तो हम सब एखन सबसे पहले तो आग्रह करबे जतक हमर मिथिला मैथिली के लोग सबसे पहले आबे वाला समय में जनगणना आबि रहल छे हम आग्रह करबन कि जनगणना में मातृभाषा के जो कॉलम एते में मैथिली लिखाबी और जखने मैथिली लिखल जते तो जनसंख्या पता चलते ओइसे और तखन मिथिला राज्य निर्माण सेना से हम छी और मिथिला राज्य भेंट करते कोशिश कर रहल छी और अहूँ सब गोटे से एकटा केकरो कैला से नहीं हेतै सबसे आग्रह करबन कि कोशिश करत मिथिला राज्य निश्चित भेटते और जनगणना आबे वाला छै स्पेशली हम कहऽ चाहबन कि जनगणना में मातृभाषा के कॉलम में हिंदी ने मैथिली लिखाबी और चलू तो दू लाइन हिनका से गुनगुनाबै छी और ई गुनगुनेता रचना दीदी और सबसे पहले अहाँ के कोन गीत आयल छलै सबसे पहले तो हमर एक बहुत प्रचलित भेल बड़ दूर काशी नगरिया और दू लाइन अहाँ गीत जे छै से गुनगुने दी बड़ दूर काशी नगरिया यो बाबा सिया गम अभियो बहुत सुंदर ई गीत छै श्रीमान शिव कुमार टिल्लू जी के लिखल छियन बहुत सुंदर प्रोडक्शन से निकलल छलै जी जी एपी प्रोडक्शन से निकलल छलै बहुत सुंदर छै कि बड़ दूर काशी नगरिया यो बाबा सिया गम अभियो सिया गम अभियो बाबा मिथिला जग बियो बड़ दूर काशी नगरिया यो बाबा मिथिला में अभियो जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के जी मिथिला मैथिल के कार्यकर्ता और युवा सब इनका से बातचीत करबे छी हम कतेक शुरुआत से केना के शुरुआत भेल छले की नाम छी अहाँ के हमर नाम कौशल वत्स भेल एकर शुरुआत जे छै से अहाँ सब केना के केने छलियै शुरुआत हम सब सहसराम गाँव में केलिए और एकर उद्देश्य रहे कि मिथिला मैथिली के विकास के लेल सर्वांगीण विकास के लेल एकर जहन हम शुरुआत केलहुँ एहि चीज में हमरा ग्रामीण लोकन के सहयोग भेटैत रहल सहयोग भेटे छे पूरा सहयोग भेटे छे हां ग्रामीण लोक लगभग हमरा पूरा सहयोग करे छथिन तब त हम एतो कै पाइब रहल और हमरा साथे देख सके छी युवा छै तेगो और ओ उपस्थित किसी दिन पहले जी मिथिला से यहां से उठा कर युवा पंचायत के विकास पे सुनने रहो मुद्दा लेकिन इस मुद्दा पर हमें नहीं करब बातचीत एखन और हिनका से बातचीत करबे छी हम ए बेर जे छै से ई जे कार्यक्रम अहाँ सब गोटा करवा रहल छी एहिसँ की उद्देश्य दै लए चाहे छी हरेक जनता के एकर उद्देश्य यह है कि एखुनका समय में हिंदी के जै तरह से आधिपत्य जमि रहा है लोक के बीच में वो बीच में मैथिली के केना आधिपत्य जमायल जाए हमरा 8 करोड़ जनता के बीच में नया नया कलाकार नया नया कवि और नया नया युवा सब एकटा पहचान दे के कोशिश करे छी एकटा पहचान दे के मैथिली के ग्लोबल पहचान दे के कोशिश कर रहल छी जे में हम सब नया नया कलाकार के मौका दे छी जैसे को हमको सब को पहचान भेटे छन तो वह के चलते ई संस्कृति के ई कल्चर के ई भाषा के सेहो पहचान तो मकसद यह छै जे मैथिली के 8 करोड़ से उठा के 120 करोड़ तक पूरा ग्लोबल स्तर तक पहुँचने यह मकसद छै और देख सकै छी कतौ न कतौ मिथिला मैथिली के बढ़बे के जे छै से नमहर योगदान एतौ भऽ रहल हन पाग के बात करब मिथिला पेंटिंग के बात करब और तो देख सकै छी हिनकर सबके जे पागो छै से अपन मिथिला के और खादी जे एम कपड़ा यूज कयल गेल छै ओ खादी के जे कि अपन मिथिला के बहुत नमहर पहचान छै और ई मिथिला में एखन जे छै से एकर उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ि गेलै हन फिर से और देख सकै छी पेंटिंग के बात करब हर एक घर में महिला सब से हुनका द्वारा मिथिला पेंटिंग कयल जाइ छै चलू तो और हिनका से किछु बातचीत करबै छी एबेर लगभग जे छै से कतेक एकर खर्च पड़ि जाइ छै देखियो एकर खर्च तो ओना हर बेर 1.5 से 2 लाख रुपया पड़े छै लेकिन ई एहन कार्यक्रम छै ने जे अपने आप ओकर अरेंजमेंट भऽ जाइ छै एतेक लोक एहि के लेल जुटै छथिन जे अपने आप भऽ जाइ छै हमरा सबके विशेष मेहनत नहि करऽ पड़ै छै जखने सांस्कृतिक चीज छै आ भाषा से रिलेटेड चीज छै तऽ अपने आप भऽ जाइ छै जे भी खास कए कऽ मैथिली के बढ़बे के पूरा योगदान रहै छै बिल्कुल मकसद ई वह छै जे मिथिला और मैथिली के आगू बढ़े आ देख सकै छी पूरा मैथिली के बात के लिए हमर सबके मैथिली पर्व के पूरा योगदान रहै छै त हमरा साथे देख सकै छी पुरुषोत्तम जी उपस्थित छै जे एकर संस्थापक छै और हिनका से हम बातचीत करबै छी एत जे एकर जे संस्थापक पुरुषोत्तम जी छै जे कि 6 साल पहले से एकर स्थापना केने छलै आज हमरा जुड़ल छी मिथिला के संग धन्यवाद